Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे मेरे वीडियो टेट्रास के टैंक में एक पैरेट फिशेस घूम रही है, आपको दिखाई पड़ रही होगी। एक्चुअली में क्या हुआ है, पैरेट फिशेस और वीडियो टेट्रास फिशेस के बारे में आज मैं बताऊँगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बीच में एक डिवाइडर था, देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे था वो। आज सुबह सुबह पैरेट फिशेस ने उसे किसी तरह से गिरा दिया, और जब मैं सुबह उठा तो सारे वीडियो टेट्रा एक तरफ आ गए थे और एक कोने में पैरेट थी, जबकि पैरेट फिशेस पहले इस साइड थी और वीडियो टेट्रा इस साइड थी। तो क्या आपको लगता है कि ये वीडियो टेट्रास के साथ पैरेट फिशेस रहेगी या नहीं रहेगी? पर मैं सजेशन दूंगा कि वीडियो टेट्रास के साथ आप पैरेट फिशेस कभी ना रखें, क्योंकि पैरेट फिशेस की नेचर अलग होती है और वीडियो टेट्रास की नेचर अलग होती है। पैरेट फिशेस सबसे ज़्यादा एग्रेसिव वाली फिशेस होती है, आप देख ही पा रहे होंगे अभी एग्रेशन भी शो कर रही है, और अभी दिन भर से कुछ भी दिक्कत नहीं की थी, एक भी मेरे वीडियो टेट्रास को हर्ट नहीं की थी। पर मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ना मैं सजेशन देता हूँ कि आप ऐसे रिस्क लें। तो बीच में डिवाइडर थी, उसको पैरेट फिशेस ने रिमूव कर दिया और सब एक, मतलब ये 4 फीट का टैंक है और सब एक दूसरे में मिल गए, यानी वीडियो टेट्रा और पैरेट फिशेस। तो ये सुबह की घटना हुई थी, ठीक है। अब आप पैरेट फिशेस को वीडियो टेट्रास के साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। एक्चुअली में पैरेट फिशेस को वीडियो टेट्रा के साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पैरेट फिशेस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाली फिशेस है, ये मॉन्स्टर फिशेस की कैटेगरी में आती है, और अभी तो अटैक कर रही है क्योंकि अभी उसके फीडिंग का टाइम है। पर दिन भर से नहीं की थी, पर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। और वीडियो टेट्रा की जो एग्रेशन है वो एग्रेसिव फिश होती ही नहीं है, वो एक सॉफ्ट नेचर की फिशेस होती है, वो लाइक गोल्ड फिश होती है, कोई एग्रेशन नहीं दिखाती है। पर पैरेट फिशेस एग्रेशन शो करती है, और मैं डिवाइडर लगाया था, किसी तरह से हो गया, लेकिन अभी तक मुझे पैरेट फिशेस एक भी वीडियो टेट्रास को हर्ट नहीं किए, तो कोई भी लॉसेस नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि लॉसेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैरेट फिशेस किसी टाइम भी सारे वीडियो टेट्रास को फिनिश कर सकती है और उसे ईट कर सकती है। तो इसलिए आप पैरेट फिशेस के साथ वीडियो टेट्रास नहीं रख सकते हैं। और मैं एक कमेंट में भी आप सबसे एक राय जानना चाहता हूँ कि वीडियो टेट्रास का एक अलग ही टैंक में सेटअप करना चाहता हूँ, तो अगर सहमत हैं आप सब तो कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो टेट्रास का एक अच्छा सा टैंक सेटअप करते हैं, और कौन सा टैंक सेटअप करें, मतलब या तो प्लांटेड टैंक सेटअप करें, नेचुरल प्लांटेड जिसमें असली के पेड़ होंगे, और या फिर आर्टिफिशियल प्लांट, जो भी बोलेंगे आप सबके अकॉर्डिंग टू वो टैंक सेटअप होगा जल्द ही। तो आप कमेंट में राय जरूर देंगे, और मैं पैरेट फिशेस को रिमूव कर दूंगा। बस मैं वीडियो बनाने के लिए ही पैरेट फिशेस को इसमें रखा हूँ, पर 12 घंटे से ये पैरेट फिशेस इसके अंदर है और वीडियो टेट्रास के साथ है, पर अभी तक वीडियो टेट्रास को अटैक करने की कोशिश की है एक दो बार, अभी ज़्यादा कर रही है क्योंकि फीडिंग का टाइम है, पर कोई भी वीडियो टेट्रास को लॉसेस नहीं हुए हैं। पर मैं रिस्क नहीं लूँगा, अभी मैं इसे रिमूव करूँगा और या फिर से डिवाइडर ऐड कर दूंगा। पर आप सब बताइए कि वीडियो टेट्रास के लिए एक अलग सा टैंक रखें या ना रखें। और दूसरी बात यह कि वीडियो टेट्रास एक सेमी अग्रेसिव भी नहीं, कोई अग्रेसिव फिशेज नहीं होती है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत फिशेज है। तो इसे एक आप अलग टैंक में सेपरेट रखें तो और बेहतर होगा, और अभी पैरेट फिशेज को भी अलग रखें। तो मैं क्या करूँगा, अगर आप सब सजेशन देंगे तो एक अलग सा टैंक लाएंगे और उसमें वीडियो टेट्रास का सेटअप कर दिया जाएगा। 2 फीट का लगभग वो टैंक रहेगा, और हाइट भी लगभग 1.5 फीट की रहेगी, यानी 1.5 फीट की रहेगी हाइट। तो उसमें सारे वीडियो टेट्रास मैं रख दूंगा, और इस टैंक में सिकलेट का सेटअप करूंगा जिसमें ये पैरेट फिशेस भी रहेगी और कुछ मॉन्स्टर फिशेस मैं ऐड करूंगा, जैसे कि सिकलेट की सारी वेराइटी ऐड करूंगा। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं सिकलेट का सेटअप करूं और वीडियो टेट्रास के लिए टैंक सेपरेट करके रखूं या ना रखूं, या सिर्फ पैरेट को हटा के सिर्फ इसमें वीडियो टेट्रा रखूं। तो 3 बात मैंने आप सबसे पूछा है, तो आप सब जरूर कमेंट में लिखेंगे। और पैरेट फिशेस के साथ वीडियो टेट्रास नहीं रहती है, ये बात आप सब जान लें। और सब फिशेस की अलग अलग नेचर होती है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई सेमी एग्रेसिव होता है, कोई शांत मछली होता है, तो आप उस टाइप से ही रखेंगे। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो मैं पैरेट फिशेस को रिमूव कर दूंगा जल्दी अभी, और देख ही पा रहे होंगे बीच में डिवाइडर दिया था ताकि उधर सैंड है
और इधर ग्रासेस है। ग्रास के अंदर वीडियो टेट्रास थी और सैंड के अंदर पैरेट फिशेज रखा था, पर डिवाइडर जो है उसे पैरेट फिशेज ने किसी तरह से गिरा दिया, जिस कारण से सारे फिशेज एक हो गई है। तो मैं पैरेट फिशेज को रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक क्वेरीज का जवाब दे देता हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। और मैंने तीन बात आप सबसे कमेंट में पूछा है कि वीडियो टेट्रा का अलग टैंक चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और इसमें सिकलेट का सेटअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसी टैंक से मैं पैरेट फिशेज रिमूव कर दूंगा और सिर्फ वीडियो टेट्राज रखूंगा। तो तीन बात मैंने पूछे, तो प्लीज़ आप सब कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।